रैगांव और पृथ्वीपुर दोनों ही जगह अंतिम दौर में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे और वहां जो जिस तरह का रुझान अब दिखाई दे रहा है, रैगांव से 836 वोट से आगे बताई जा रही है प्रतिमा बागरी, और यदि पृथ्वीपुर की बात करते हैं तो 888 वोटों से शिशुपाल यादव आगे बताया जा रहा है। खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती तौर पर अच्छी है, लेकिन अभी बहुत गिनती होना है, कई राउंड की मतगणना होना है। जी सवाल कीजिए। देखिए बिल्कुल उत्साह जरूर नजर आने लगा है। हमारे साथ गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर रैगांव और जौबट आपने सभाएं की थी, परिणाम भी आने लगे हैं, शुरुआती रुझान में दोनों प्रत्याशी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मेरी सभा से कुछ नहीं होता भाई, हमारे जो नेतृत्व है हमारे पास में, देखिए ये चुनाव जो है ना, सरकार और संगठन के कुशल समन्वय में जनता के विश्वास का चुनाव है। ये चुनाव जनता की सेवा का चुनाव है और ये चुनाव विकास का चुनाव है। और मेरी मान्यता है कि ट्वीट करके राजनीति करने वाले लोग, अब आज 3 नवंबर है, दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया है कि गैस की बरसी की श्रद्धांजलि, अब 3 दिसंबर को होती है वो, 3 नवंबर को ट्वीट दे दिया। अब जनता क्या ये समझती नहीं है कि आपके ट्वीट पढ़ने वाले क्या दिसंबर की नवंबर में दिए जा रहे हो? तो ये लोग कभी जनता के बीच जाते नहीं। एक आपको कोरोना काल में दिखे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आप बताओ। ये कांग्रेस को अनाथ करके ही छोड़ेंगे कमलनाथ, ये कमलनाथ अनाथ कर देंगे, आप देख लेना मेरी सूरज बात। लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लगातार बात कर रही थी, क्या वो समझाने में नाकाम रही और भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पहुंचने में कामयाब रही है जैसा शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है? जल्दबाजी है। आदिकाल से आज तक जब चुनाव हुए तब महंगाई मुद्दा रहा है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता देखती है कि कितने पवित्र भाव से कौन काम कर रहा है, आज शिवराज सिंह जी हो चाहे मोदी जी, हमेशा जनता के संपर्क और संवाद में रहते हैं। आपत्ति की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, आप बताओ, अच्छा बाढ़ आई तो शिवराज सिंह जी बाढ़ में घूम रहे थे, कमलनाथ जी दिखे, कोरोना आया तो शिवराज सिंह जी सड़क पे थे, ये कहीं दिखे आए ही नहीं। अरे कम से कम वैसे नहीं आते तो आपत्ति विपत्ति में तो आओ। कांग्रेस महंगाई का राग गा रही थी, जनता ने सुना नहीं क्या? नहीं नहीं, ये इनके राग सब जानती है ना कि जी घड़ियालू आंसू है, ये चुनाव तक ही है, जो कुछ है कांग्रेस चुनाव तक है। अब दतिया आई प्रियंका गांधी जी, मैंने का स्वागत है उनका, लेकिन चुनाव के बाद भी तो कभी आओ, ये चुनाव में मंदिर मंदिर जाती है, चुनाव के बाद भूल जाती है, अब ये जनता समझने लगी है। अभी तो शुरुआती रुझान है, शाम तक किस तरीके उम्मीद रखते हैं? आरंभ से कह रहे थे, जब रुझान आए भी नहीं थे तब से कह रहे थे कि भाजपा जीतेगी, हमें अपने कार्यकर्ता की मेहनत पर और जनता के स्नेह का पूरा विश्वास था। चलिए सूरज, विश्वास है जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, शायद यही वजह है कि शुरुआती रुझान भी बीजेपी के पक्ष में आया। जी चलिए सूरज, निगाह बनाए रखिएगा और कोई और मेहमान जुड़ेगा तो जरूर उनसे हम बात करेंगे, लेकिन अच्छी खबर